तो तुम दोनों समझ गए है ना? शिशि मानू तैयार हो? मैं तैयार हूँ। आहा टेस्टी स्प्रिंग रोल। समझ गया। ओहो शिंजो, क्या तुम हम दोनों की आवाज़ पहचानते हो? अच्छा बताओ हम दोनों ने क्या क्या कहा? हाँ मैंने दोनों तरफ से आवाज़ सुनी, वो भी अपने दोनों कानों से। बले भाई वाह तुसी ग्रेट हो। बले भाई आपने कहा स्पेशल लंच है? और शिशि मानो ने कहा कूल स्विमिंग पूल। क्या मैंने सही कहा? नहीं शिंजो तुमने बिल्कुल गलत कहा। मैंने कहा था वाह टेस्टी स्प्रिंग रोल और शिशि मानो ने कहा वाह टेस्टी चॉकलेट रोल। मेरे ख्याल से तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। गुलाब का फूल खिला। मैं समझ गया। इस बार फेल मत होना पप्पू। आपने कहा मेरा पेट भरा हुआ है। शिशि मानो ने कहा मुझे झोलों की भूख लगी है। मर गया। तुम इस बार भी फेल हो गए पप्पू। मैंने कहा था गुलाब का फूल खिला और शिशि मानो ने कहा था चटपटा आलू चाट, समझे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे बाबा तुम्हें यकीन करना पड़ेगा शिंजो। अब हम छोटे शब्दों से शुरू करते हैं, ठीक है? तुम जरा ध्यान से सुनना। लेकिन मैं तो कान से सुनता हूँ। तुम्हारी कोई शरारत नहीं चलेगी शिंजो। चलो गेम शुरू करते हैं। ठीक है रेडी हूँ। कच्चा पापड़। हाँ आसान है। बले भाई ने कहा खर्चा पानी, शिशि मानो ने कहा नारियल पानी। हाँ फिर से गड़बड़ कर दी। हाँ? मैंने कहा कच्चा पापड़ और शिशि मानो ने कहा पक्का पापड़। ऐसा क्या बले भाई? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम्हें थोड़ा और वक्त लगेगा किसने क्या कहा ये निंजा टेक्निक सीखने के लिए। ऑल द बेस्ट शिंजो। बॉस के लिए भी नया काम मिल गया, अब आएगा मजा। अंकल टाऊ मैं ये निंजा टेक्निक सीख के बले भाई को सरप्राइज दूंगा, फिर मुझे पप्पू नहीं कहेंगे। ये ताजे ताजे फल और ये सब्जियाँ जानते हैं कि अगले 24 घंटे के मौसम का हाल क्या होगा। मौसम साफ रहेगा। गाजर गाजर खाओ गाजर, निंजा के लिए 24 कैरेट का गाजर, निंजा खाए मस्त रहे। मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसकी बातें क्यों रिपीट कर रहा हूँ? अरे शिंजो बेटा या तो तुम टीवी देखो या रेडियो सुनो। हाँ लेकिन मम्मी बात है कि मैं। अच्छा सुनो तो। मम्मी सुनिए तो। सारी तैयारी ठीक से हुई, कुछ भूले तो नहीं? आपकी सॉक्स मैंने ऊपर वाले ड्रॉअर में रखा है और तुम्हारा खाली बॉक्स राइट वाले स्टोर रूम में रखा है। ओके मम्मी। अरे वाह ये तो हमारी निंजा टेक्निक जैसा है। मम्मी आपने कमाल कर दिया। मम्मी सुनिए, अगर मैंने आपसे हमारी निंजा टेक्निक सीखी तो बले भाई खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी देंगे। निंजा टेक्निक? लेकिन बेटा मैं तो ऐसी कोई टेक्निक यूज नहीं करती। लेकिन आपने पापा और केनिची के शब्दों को एक साथ सुना और वो है एक साथ सुनने की निंजा टेक्निक। और तो और तब वैक्यूम क्लीनर भी चल रहा था, आप सच में एक्सपर्ट है। हाँ शिंजो लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा काम है। मामा प्लीज आप मुझे सिखाइए ना, बले भाई खुश होंगे। मामी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो देखो शिंजो बेटा ऐसा नहीं करते। तो फिर हाँ कहिए ना मम्मी। अरे नहीं ये मैं कहाँ फंस गई, बेटा ये कोई निंजा टेक्निक नहीं। मम्मी की बात का यकीन करो, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब बोल रही हूँ। चलो बॉस को काम पे लगा देता हूँ। सुनो तुम दोनों अलग अलग बात बोलना, समझ गए? ठीक है स्टार्ट। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम दोनों से कहा था अलग अलग बोलना, लेकिन तुम तो शेन टू शेम काव काव कर रहे हो। शिंजो 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 क्या हुआ मम्मी? मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ? देखो मैं जो तुम्हें समझाऊंगी ना वो ध्यान से सुनना। हथौड़ी तुम्हारा गुरु है ना, और अगर मैंने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई तो ये उसके खिलाफ होगा। हाँ? लेकिन फिर भी मैं सिखाऊंगी मेरा निंजा टेक्निक। क्या कहा मम्मी सच्ची? सच्ची शिंजो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। ठीक है मम्मी। लेकिन ये आसान नहीं, तुम्हारे गुरु हथौड़ी से ज्यादा टफ एंड रफ है, तुम कर पाओगे ना? हाँ मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले मैं
समझ गया। सबसे पहले तुम्हें मम्मी जैसा बनना होगा। निंजा की ये टेक्निक सीखने के लिए सबसे जरूरी है। मैं इस निंजा टेक्निक को सीख के लाऊंगा। जब तक सीखूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। हाँ? तुमने कल के एपिसोड में सास बहू का ड्रामा देखा? हाँ हाँ मैंने देखा। मम्मी होती तो क्या करती? और तुम लोगों को पता है कल क्या हुआ था? मुझे ये कल नहीं पलेगा। ओ, क्या आपको पता चला? आजकल केक के दाम कितने बढ़ गए हैं। ये महंगाई तो हमें मार ही डालेगी। ये किसका बच्चा है? मेरा तो नहीं है। ओह ये अच्छी बात नहीं है। आज चॉकलेट सस्ता है, ले जाओ ले जाओ, ये ऑफर सिर्फ आज के दिन ही है। मम्मी हमेशा मोल भाव करती है, मुझे भी प्रैक्टिस के लिए सीखना होगा। चलो संजो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं ये मेरी प्रैक्टिस है। शिंजो ये तुम्हारे प्रैक्टिस का टाइम है। कहाँ गया ये शिशिमानु? हाँ क्या बात है आतोड़ी? ये शिंजो कहाँ गया, क्या तुम्हें पता है? मैं तो झपकी ले रहा था, मुझे नहीं मालूम। मम्मी आ गई। क्या शिंजो आपके साथ था? क्या आपने उसे कहीं देखा है? मैंने तो उसे नहीं देखा, लगता है बाहर कहीं खेलने गया होगा। हाँ वो बाहर भी नहीं है, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मैं बाजार जा रही हूँ, अगर मुझे कहीं मिला तो मैं उसे भेज दूंगी। ओके मम्मी बहुत अच्छी बात है, तब तक मैं जाके भी शिंजो को ढूंढता हूँ। अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया शिंजो। मैं आपके जैसा बन गया ना, अब तो हम निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस। जल्दबाजी मत करो, अभी बहुत मेहनत करनी है। हर चीज ध्यान से देखो, फिर से बाजार जाओ, वरना ना तो निंजा टेक्निक सीख पाओगे ना मम्मी जैसा बन पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई ना बेटा? तो एक अच्छी मम्मी की तरह बाजार जाओ और शॉपिंग करो। मुझे मम्मी की तरह सोचना होगा, मम्मी के जैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। सस्ता है, लीजिए खाइए, आपके शहर में पहली। लगता है वहाँ म्यूजिक सीडी की सेल लगी है, मम्मी को तो ये बहुत पसंद है, मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत ही सस्ता है। अच्छा सुनिए प्लीज हटिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। अरे जाइए, आज सस्ता है कल महंगा हो जाएगा। अरे वाह। ये इतनी सारी भीड़ यहाँ क्या कर रही है? बल्ले भाई वो भी ऊपर। अरे बल्ले भाई कहाँ से आ गए, मुझे जल्दी छिपना होगा। अरे शिंजो क्या हुआ बेटा? मम्मी वो क्या है, मैं बल्ले भाई के हाथ नहीं आना चाहता इसलिए। तुम्हें क्या बोल रहे हो शिंजो? बेटा शिंजो भागो। अरे निंग, अरे ये शिंजो यहाँ क्या कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा शिंजो यहाँ पर क्या कर रहा है। रुको शिंजो रुको। मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया था कि बड़े भाई को नहीं बताऊंगा, अब मैं क्या कर लूं? कब तक और कहाँ तक भागोगे शिंजो मेरे भाई? शिंजो बेटा शिंजो ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब तुम्हें मम्मी ने लाने के लिए कहा? हाँ बल्ले भाई, और उन्होंने मुझसे निंजा टेक्निक सिखाने का भी वादा किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे ऐसी कोई टेक्निक नहीं आती। क्या, लेकिन वो तो शेम टू शेम आपके जैसी थी। ये तो सचमुच सबसे बड़ा बुद्धू है, इसे मैं कभी भी बुद्धू बना सकता हूँ। चलो बॉस उसे फिर से बुद्धू बनाते हैं। हाँ चलो थोड़ा और खेलते हैं कियो। आखिर वो मम्मी का आज्ञाकारी पुत्र जो है। शिंजो हाँ? तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ मम्मी मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अब अगली प्रैक्टिस क्या है? हाँ बताती हूँ। आइए आइए, हर माल खरीदिए सस्ते में, वो भी डबल डिस्काउंट के साथ। चलो ना मम्मी यहाँ शॉपिंग करते हैं, मैं आपकी निंजा टेक्निक देखना चाहता हूँ। हाँ लेकिन बात यह है कि
मम्मी गुड इवनिंग। मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कहा तुमने? मम्मी आपके पास ऐसी कौन सी निंजा टेक्निक है जिससे आप सबकी बात सुनते हैं? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, आप सबकी बात एक साथ सुन सकती हैं। हाँ, मुझे लगता है ये मम्मी नहीं है बल्कि हमारा दुश्मन अमाला है। लगता है मेरा भांडा फूट गया, अब असलियत पता नहीं होगी। मैं अमाला ही हूँ। अमाला, तुमने मुझे बुद्धू बनाया। जो पहले से ही बुद्धू हो उसे बनाने की क्या जरूरत है? चलता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। हमारा तो सबको बस परेशान करता रहता है। शिंजो, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। अभी तुम जोश में हो इसलिए होश खो बैठे हो, ये गलत बात है। हाँ, ये अच्छा नहीं हुआ। हमारा ने मुझे